ये 15वें अध्याय का और ये 16वां श्लोक है। दिवौ इमौ पुरुषे लोके छर च अक्षर एवं च छर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। अनुवाद इसका किया है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान कहो। लेकिन इसका जो परिभाषा हम आपको समझाने चले हैं प्रभु की, अब यहाँ प्रारंभ होती है। अभी तक ये इसकी भूमिका बनी है। अब देखना, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष यानी प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के इन्हीं के लोक में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब ये अक्षर पुरुष और छर पुरुष, छर पुरुष इस ये क्योंकि ये जो पुरुष है देव जो पुरुषो हैं इनको हम यहाँ लगा सकते हैं। ये छर पुरुष और अक्षर पुरुष, छर पुरुष माने ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष माने ये परब्रह्म भी दो प्रकार के परमात्मा हैं, प्रभु हैं। और इनके लोकों में सभी प्राणियों तो शरीर के नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। जैसे अभी आपने परब्रह्म की भी आयु की सीमा देखी और ब्रह्म की भी, जब परब्रह्म का एक दिन समाप्त होगा, 1000 युग का, चतुर्युग नहीं ब्रह्म का, हाँ ब्रह्म का, परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का जब एक दिन समाप्त होगा जो 1000 युग का होगा। एक युग आपको बताया कि 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक काल मरेगा जो एक ब्रह्म लोक में रहता है, वहाँ तीन रूप में रहता है, ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप में। ऐसे ही उसी अवधि से वहाँ वो अपना ब्रह्मा वाला शरीर छोड़ता है, ऐसे फिर विष्णु वाला छोड़ता है, लास्ट में वो शिव वाला शरीर छोड़ता है, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होता है। और परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का एक युग होता है। ऐसे 1000 युग का जब परब्रह्म का दिन समाप्त होता है तो 21 ब्रह्मांड का विनाश होता है। इस परब्रह्म इन ब्रह्म के काल के 21 ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है और ये सभी प्राणी परब्रह्म के लोक में अलग अलग स्थान पर रख दिए जाते हैं, उनके कर्म अनुसार अलग अलग वहां रखे जाते हैं। और जब उसका फिर रात्रि समाप्त हो जाती है, पुनः दिन प्रारंभ होता है, फिर दुर्गा और काल ऐसे ही उत्पन्न होते हैं, फिर उनके कर्म अनुसार वो सभी जीव नीचे भेज दिए जाते हैं और वो कर्म अनुसार उनकी फिर उत्पत्ति वहीं काल और दुर्गा और उससे होती रहती है, ऐसे ये फिर शुरू हो जाता है। तो ये हुआ कि परब्रह्म की भी मृत्यु है, क्योंकि 100 वर्ष परब्रह्म की 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की, लेकिन वो वर्ष बहुत लंबे चौड़े, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष कह दिया, लेकिन वास्तव में अक्षर पुरुष नहीं, अवास्तव में अविनाशी नहीं है ये, क्योंकि इसका भी नाश होता है। जैसे एक ये चाय पीने का प्याला होता है सफेद सा बना हुआ मिट्टी का, ये तो छर पुरुष और उसके प्राणियों की सती थी मानो, और स्टील से बना हुआ जो पात्र हो, प्याला हो, कप है, वो समझो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की सती थी, उसका शरीर उसके प्राणियों की सती थी। लेकिन स्टील को भी जंग लगेगा, अंत में इसका विनाश होगा, लेकिन उस मिट्टी उस चीनी सफेद प्याले की तुलना में वो अविनाशी यानी काफी सथाई नजर आता है भी, लेकिन वास्तव में अविनाशी नहीं। वास्तव में अविनाशी जो है सोना है, गोल्ड है, धातु, इसका विनाश नहीं होता, इसको काई जंग नहीं लगता। तो इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा जो है वो वास्तव में अविनाशी है, और ब्रह्म यानी छर पुरुष, परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ये नाशवान है। ये अक्षर पुरुष कहलाता है, अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये वास्तव अविनाशी नहीं, यही गीता जी सिद्ध कर रही है। अब फिर देखो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 को ये देखिएगा,
ये 16वां श्लोक आप पढ़ रहे हो। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके छर्च अक्षर एवं च छर सर्वाणी भूतानी कटुष्टय अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये छर पुरुष और अक्षर पुरुष ये भी दो प्रकार के भगवान हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी का। अब 17वां में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो इन ऊपर वाले दोनों से भी कोई और ही है और उसको परमात्मा कहा जाता है। वह वास्तव में परमात्मा कहा जाता है, परमात्मा इति उदाहरत है। और यह लोक तर्यम आविश्य विभर्ति अव्यश्वर अव्य माने अविनाशी, अव्य माने अविनाशी, वो अविनाशी प्रभु है, अविनाशी परमात्मा है, परमेश्वर है। अब से दो गया क्योंकि ऊपर दोनों से कोई और है, सर पुरुष अक्षर पुरुष से कोई उत्तम पुरुष और है और वही परम अविनाशी और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब देखना, अब ये समझ में आएगी आपको उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। अब यहां ये जड़ है, अब देखना उत्तम पुरुष है तो ये है परम अक्षर ब्रह्म जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है और ये ऊपर को जड़ वाला ये पूर्ण परमात्मा है। इस जड़ से सबको यानी तना में खुराक गई, तना से डार में, डार से ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं में, फिर हमें प्राप्त हुई पत्तों को। तो ये क्या लिखा है कि जो लोग तीनों लोकों में प्रवेश करके यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अविश्य अविश्य माने जो प्रवेश करके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी वही पूर्ण परमात्मा ही करता है और वही अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है।